आप लोग ने तो देखा ही होगा क्राउड वगैरह। गाइस सच में पूरा गला भर गया है मेरा। बड़ी बाबा तो ठीक है, अभी तो हे गाइस गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। तो जैसे कि आज है मेरा जन्मदिन गाइस, हर साल तो मैं पहले दीदी के घर जाता हूँ, आप सबको पता ही है। तो आज है हमारा शॉप ओपनिंग, मतलब हम लोगों ने जो ब्रांड चेंज किया था, तो मैंने सोचा थोड़ा ओपनिंग करेंगे, थोड़ा ऐसा ग्रैंड ओपनिंग टाइप, क्योंकि कुछ नया हो रहा है तो कुछ नए करेंगे। तो दीदी के घर नहीं गए क्योंकि दीदी खुद यहाँ पे आ रही है, तो दीदी ने बोला तू मत आ, मैं आ रही हूँ, टेंशन मत ले। तो मैं सोचा तब तक थोड़ा मंदिर जाके आ जाता हूँ, जन्मदिन है तो थोड़ा भगवान के पास जाओ। मम्मी पापा से तो मिल के आ गया, जो हमारे इधर हनुमान मंदिर है गाइस, जो संकट मोचक है हमारे, तो संकट मोचक से आशीर्वाद लेता हूँ ताकि कोई संकट ना आए लाइफ में। हाँ गाइस को छाता रख देता है यहाँ पर। तो गाइस संकट मोचन ने मेरा अभी संकट सुन लिया है, जो भी मेरे लाइफ में संकट रहेगा वो भगवान हटा देंगे। तो गाइस पहले तो ये बताओ तुम्हारा भाई लग कैसे रहा है पिंक कलर में? तो गाइस मैंने सोचा थोड़ा पिंक कलर पहना जाए, क्योंकि एक कोई भी बर्थडे मैंने पिंक कलर ट्राई नहीं किया, और ये शर्ट अपने शॉप की है और ये गिफ्ट किया है मेरे भाई ने, राशन ने मेरे को गिफ्ट किया है। तो बताओ कमेंट करो, और थैंक यू राशन को बाइक की मेरे को एक गिफ्ट दिया है। तो गाइस चलो शॉप पे चलते हैं और बताते आगे क्या करना है, ठीक है चलो। तो गाइस दर्शन ले लिया अभी, अभी जो मैंने आपसे वादा किया था कि अभी चलते शॉप के पास। तो क्या करूँ, झलक दिखाओ या पहले क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। राशन क्या बोलते, पहले क्या करने का, पब्लिक को लुक दिखाने का, बाहर से लुक दिखाओ आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, दिखा देता है, अभी ओपनिंग होने ही वाली है, अभी रिबिन विबिन बांधा है, तो अभी कटिंग करेंगे। भले अपना शॉप अभी नया नहीं कर रहे पर 4 साल हो गया है मेरे लिए, हमेशा जितने साल उसको रीओपनिंग करते रहो करते रहो। नाम तो दिखा, नाम तो दिखाओ, नाम तो दिखा, नाम में क्या रखा, नाम में सब कुछ भाई, बात तो सही है। चलो आपको दिखाता हूँ, अभी मैं बोलूँगा नहीं कुछ, पूरा होने के बाद बोलूँगा। पहले आपको पूरा सिनेमैटिक दिखा दो, ओपनिंग कैसे करते हैं, बैनर दिखा दो, ठीक है रेडी स्टडी एंड गो। बोलो गणपति बाप्पा। तो गाइस जैसे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया,
और मैं यहाँ तक अपने शॉप को 4 साल तक चला पाया, तो मैं चाहता हूँ हम लोग और आगे और बहुत सालों तक चले, आपका प्यार बना रहे ऐसे, और ये मेरी बहनों का प्यार रहे मुझ पर, एक दीदी कम है पर कोई बात नहीं, दोनों उसकी कमी पूरी कर रहे हैं, तो आज मैं केक काटूंगा, बस प्यार दिखाते रहो, और ये शॉप से हम लोग और बड़े बड़े दुकान खोले, मॉल खोल ले, ऐसा प्यार दिखाओ। चलो गाइस केक काटते हैं, और भी ऑफर्स के लिए मुझे प्यार करते रहो, प्यार करोगे तो ऑफर हो, ठीक है, इतना बड़ा चाकू कोई बात नहीं गाइस। चलो काटते हैं केक, और भी बहुत सारी बातें करते रहेंगे, आज बर्थडे काम है, सब करते रहेंगे। हेलो मेरा भाई है, इसका भी शॉप है, बंदा सिर्फ मेरे ओपनिंग के लिए अभी तक शॉप ओपन नहीं किया, पता गाइस सिर्फ भाई लोग का प्यार है, ये कोई नहीं समझे, लड़की लोग का प्यार नहीं है इन लोग के जैसे, इधर मैंने विदाउट मेकअप तुम्हारे घर आ गई, ऐसे नहीं मेरा दुकान बंद करते पैसा लॉस में आते भाई, ऐसे भाई अपने क्या नहीं रोना आ रहा है, पर मैं रो नहीं सकता, ओपनिंग करके आया, अरे भाई नाइट करके आया, सिर्फ एक आवाज में उड़ गया, मालूम है क्या ऐसे प्यार है मेरे भाई, ये देखो रात भर मेहनत किया मेरा बाबू, भाई मेरे दुकान में रात भर मेहनत किया, और सबसे भारी ये बंदे को आपने देखा ही होगा, रात दिन एक किया मेरे लिए, राशन को सबसे ज्यादा प्यार, राइस इंजॉय करते हैं, अभी कस्टमर सब आए थे आप लोगों ने देखा है, और भी कस्टमर आते हैं तब तक और मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बाद में रात को कभी तो मिलते हैं, वीडियोस बनते रहिए, चलो हैप्पी बर्थडे टू इधर तो हेलो गाइस, आज हमारा वीरू भाई का बर्थडे, तो वीरू भाई के लिए कुछ सरप्राइज रखे, तो वीरू भाई को बाहर भेज दिए, तो हम सोचते वीरू भाई को कुछ सरप्राइज देते, तो अभी वीरू भाई आने वाले, तो वीरू भाई को मैं फ़ोन करने जा रहा हूँ, और अपने दोस्त लेके गए वीरू भाई को बाहर, तो वीरू भाई के लिए मतलब दुकान में दिन भर आज बैठे थे, तो हमने सोचा बाहर किधर नहीं करेंगे, दुकान में ही करेंगे, तो छोटा सा एक सरप्राइज दुकान में रखे, चलो देखते फिर तो वीरू भाई आपका बर्थडे में आप क्या बोलना चाहते हो? अंदर जा नहीं 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 बाकी यही बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो प्यार किए है, लाइट नहीं आ रही, इधर 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 आए शपथ भाई को लाइट नहीं, भाई को लाइट नहीं आ रहा, कट 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 फिर से एक मिनट रिफ्लेक्टर मार दो तो भाई आज पहली बार आप शायद अभी कुछ भूल नहीं सकते क्योंकि अभी मैंने अभी कुछ सरप्राइज देखा नहीं, सरप्राइज की बात नहीं, मतलब पहली बार आप मतलब बर्थडे के दिन आप काम कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है ये बोलना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लक्ष्मी आ रहा है, नहीं नहीं फर्स्ट टाइम की जिम्मेदारी आ गई, बेबी आने वाली, मतलब ओके फिर जल्दी है, जल्दी शादी वाला भी ब्लॉग आने वाला है इसका, ओके एक साल में मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी फाइट वेटी छोड़ के नहीं क्या पैसा कमाना पड़ेगा, नहीं तो वो भाग जाएगी किसी के साथ, वो पाकिस्तान में नहीं सीमा 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 तो हम लोग ने गलत सोचा, हम लोग ने सोचा वीरू भाई शायद बर्थडे में कुछ अच्छा कर रहे, पैसा लाने का सोच रहे, पर ऐसा नहीं, ये तो बाद में मालूम, संजू भाई हमारे हैं, संजू भाई ने पूरा डेकोरेशन किया, संजू भाई को बहुत सारा प्यार, संजू भाई को पूरा सरप्राइज, संजू भाई ने किया है ये सब पूरा डेकोरेशन, पैसा ये तो सारा शादी करने के लिए तुम कमा रहे हो, हमको तो लगा तुम तो मेहनत कर रहे हो, अरे तूने वो वीडियो नहीं देखा है क्या भाई, तू कमा तू कमाएगा तो ही हम लोग का होगा, ये तो शादी करने के लिए देख रहे ससुर का नातिर इसलिए मेहनत कर रहे हो, पहली बार ऐसा बर्थडे हो ना, बर्थडे में तो कभी जॉब पे ही नहीं गए,
जॉब पे भी बंक सीधा रखना रखो अंपे वरना मत रखो मेरे को क्या करनी है फर्स्ट टाइम पैसा आ रहा है जॉब के मतलब बर्थडे के दिन फर्स्ट टाइम ऐसा फील आया घर वाले ने फील कराएगी अभी तू शादी करने कर लिया है तो भाई के मन से भी किधर ना किधर बोल रहा है शादी करना आ जाऊं चलो चलो गाइस बुला रहे देखते क्या सीन है चलो मेरे दोस्तों ने कुछ तो सीन किया था कितना पहुंचा देखते दुकान के अंदर आज पहली बार एंजॉय करेंगे मतलब नहीं नहीं सेलिब्रेशन करेंगे भाई का फर्स्ट बर्थडे है दुकान में मत मत रख रख चलो एक्शन कर गए फोटो देखेगा ना भाई मैं अपना जे जे का मालिक देख कितने बार आया तीन बार आया सिर्फ केक खाने आया क्या तुझसे मिलने हमेशा हमेशा लड़की के पीछे पागल रहता है नहीं ये केक खाने आ रहा है किस लिए आ रहा है बार बार जे जे का मालिक अभी केक नहीं केक में जो प्रोसेस लगता है वो वहाँ मेरे को लगता है हाँ बार बार आ रहा केक खाने आ रहा है नहीं जा 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 आराम गाड़ी निकाल आराम से आगे छोटे टाइम में नहीं निकल तू निकल मैं तो बस सत्य में बस कॉल कर रहा हूँ करने दे इधर अपना सेलिब्रेशन आ जा इधर ना अभी आ जा बोल रहा हूँ जाओ हाँ जा मैं जा लो लो यही हीरो था वो जो गांव का हाँ गांव का यही है डांसर मेन मेन डांसर यही है यही है गांव का डांसर यही है बड़े मामा वो मेरा लड़का उसको नहीं समझ भाई लाचे भाई 300 250 अंदर आ रहे बड़े 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 एक और कैंडल ले दे रे बच्चा ना हाँ वो भी लगा दे ये ले मैंने कितने का दिल तोड़ा है रे सबका तीन ही क्यों ले ले एक और है एक और है लो ये भी नहीं प्रूफ हो गया कि मैं दिल तोड़ू है रेडी सब लोग आगे हाँ बुलेट फायरिंग दे रेडी वन टू थ्री Yeah! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hi, Shabbat! Mataka! Mama, original! Hi, Shabbat! What are you doing? How did this 26 come from? 26? I'm doing a wedding. When are you doing? When are you अरे वो सर का मान नहीं तो गया गाड़ी का मान रहा हूं मामा का बोल दिया मेरा बर्थडे नहीं है आ तू ही आ सब पर मोनी बोलने वाला था ये बंदा सुबह से आ रहा है बार बार केक खा के चला जा रहा है चलिए बाहर चल क्या पीछे पीछे वंस मोर पार्टी के लिए 8 6 double 8 0 5 7 9 5 पर कॉल करो उम्र में हो जाए खुशी आ रहा है मेरा हाथ का बदन खाएगा धंधा खोलेगा बिजनेस धंधा कौन सा आलू के हाथ का खाएगा ना इतना इतना कर लिया भवानी गार्डन के बाद परो दारू का बोतल ढूंढ के लिया उसको मालूम अपने काम का ओरिजिनल ओरिजिनल सुबह सुबह गए थे जॉगिंग के लिए ज्यादा सूरज गिरा था हाँ लड़की नहीं गिरा और लड़की लड़की देखने के बाद बोलता अरे नहीं नहीं कुछ ना हाँ भाई परी थी लगा नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे मामा बोलो बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे मामू ऐसा बोलो बोलो अंदर आना है जोर से हैप्पी बर्थडे
अंशु तुम्हारे जैसा ये फ्लावर कलरफुल पकड़ो दो बैग बनता ही है। तो गाइस फाइनली आज का दिन खत्म हुआ। क्या होता आपको टाइम देखो, एक बार टाइम देखो कितना हो रहा है। एक 11 हो रहा है गाइस। थक गया, मजबूत थक गया। सुबह हम लोग उठे थे 6-7 बजे उठे थे गाइस, कसम से बता रहा हूँ। अभी इतना थक गया आवाज नहीं निकल रहा मेरा, सच में आवाज ही नहीं निकल रहा। तो क्या बोलते पब्लिक, आई होप आपको मेरा ऑफर जो मैंने शॉप पे रखा था आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार मैंने कभी नहीं देखा अपने फैमिली का। मतलब जो मेरी फैमिली है शॉप की, मेरी पर्सनल मेरे दोस्त लोग, फर्स्ट टाइम मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया वीडियो को, जो मैंने व्लॉग छोड़ा था जो भी ऑफर्स हैं सब लोगों देख के आया और मुझे बोले भाई बहुत अच्छा ऑफर रखा है। तो मैंने ये ऑफर आप लोगों के लिए रखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये ऑफर पसंद आया। और कहीं ना कहीं बहुत लोग आए गाइस, आपको शॉप का हालत दिखा था, आप लोग बोलोगे ये देखो पूरा, ये देखो कचरा देख रहे हो पूरा, ये तो कुछ नहीं है पूरा, सब इधर कैसे भी घुसा दिया, अंदर इधर देखो तो कैसे भी घुसा दिया, सब केक वगैरह काटे, सब दूसरे लोग आए। और सच बता रहे पहला बर्थडे था मेरे लाइफ का कि मैंने शॉप पे ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी काम को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ मैं। काम 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 ज़रूरी है गाइस लाइफ में, है ना, घूमना फिरना इंजॉय करना सब है लाइफ में। वीडियोस करो, ब्लॉगिंग करो, घूमो फिरो, जो करना है करो आप लोग, बट एक मतलब स्पेसिफिक काम करना ज़रूरी, चाहे जॉब करो बिजनेस करो। और कहीं ना कहीं बिजनेस तो अपन बहुत अच्छे से करते हैं, बट कहीं ना मैं बहुत फोकस रहना चाहता हूँ लाइफ में। तो बर्थडे ये आज मैंने करके दिखाया कि बर्थडे में मैंने कहीं नहीं आया, सब फ्रेंड्स लोग मेरे मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग को सब मतलब सबको भाई प्यार बहुत प्यार, क्योंकि उन लोग चार टाइमिंग सब एडजस्ट करके आए और शॉप पे आए सब लोग, और अच्छा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा गाइस, सच बता रहा हूँ। मेरे को तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि मतलब शॉप पे भी ऐसा बर्थडे करेंगे ये लोग। मेरे को लगा आज पूरा दिन बस ऐसे ही काम करते करते निकल जाएगा, पर भाई लोग का प्यार, रात के 12:30 बजे तक कस्टमर थे गाइस, अभी थोड़ा सा आराम कर रहे, फ्रेंड्स लोग केक वगैरह काट के बात ही कर रहे थे। गाइस कसम से किस्मत वालों को मिल गया ऐसे दोस्त जो मेरे पास है। मेरे पास कुछ है नहीं है, कभी होगा नहीं होगा, बट ऊपर वाले ने मेरे को इतने अच्छे दोस्त दिए ना, तो किसी को भी नहीं दिया होगा। सब लोग अपने दोस्त की तारीफ करते हैं, शायद मैं ज़्यादा लक्की मानता हूँ खुद को कि मेरे लाइफ में इतने अच्छे दोस्त हैं। मेरे को सब लोग बोलते हैं भाई तेरे दोस्त बहुत हार्ड है भाई, और सच है, क्योंकि आपका शॉप जब ये शॉप हम लोग बना रहे थे, आपको खुद को पता है कि हम लोग ने कितना मेहनत किया है शॉप में, आप खुद जानते हो। शॉप तो आपको बहुत अच्छा ही लगा होगा नो डाउट, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे पहले शॉप की तारीफ कर रहे थे गाइस सच में। तो अपने भाई लोग हैं देखो, हसन भाई बहुत बहुत भाई, सबको बहुत सारा थैंक यू जिसने मतलब शॉप में अपना अपना कंट्रीब्यूट किया है, अपना काम किया है, सबको बहुत सारा प्यार। वीर हमेशा तुम लोग की क्या बोलते हैं उसको, दानवीर कण ये शॉप में जो भी आप लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। आभारी नहीं, साथ रहूंगा, आभारी रहूंगा, साथ रहूंगा। और जब भी आप लोगों का मुश्किल जब मुश्किल की घड़ी आएगी आप लोग, हाँ मैं आपके साथ रहूंगा। ओके गाइस थोड़ा थक गया इसलिए कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत गंदा आला येड़ भग गया मेरा। तो लव यू गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, यू कस्टमर ने भी इतना सारा प्यार दिया, आई लव यू सो मच गाइस, लव यू, आप लोगों से प्यार हो गया मेरे को क्या। तो सही डेकोरेशन हो गया, शॉप का काम हो गया, चाहे कुछ भी हो सबको बहुत सारा थैंक यू। स्पेशल थैंक यू, सबसे ज़्यादा स्पेशल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा राशन को, चंदू को बोलना चाहूँगा, और विशाल विशाल भी बहुत भाई,
इन लोग को मतलब इन लोग ने भाई मेरे साथ दो दो तीन तीन बजे तक जागे, तो स्पेशल थैंक यू इन लोग के लिए भाई। ये तीन चार दिन मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैं थक जाता था, इन लोग ही पूरा काम करते थे मालूम है गाइस। तो गाइस अभी ये सब बातें छोड़ते हैं, मैं क्या बता आप लोगों को, कुछ दिखाओ मैं ये देखो। मेरे को ये बड़ी दीदी ने गिफ्ट दिया गाइस। मैं वैसे तो अंगूठी वगैरह पहनता नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आता फर्स्ट टाइम पहना और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है पता नहीं क्यों, और इरिटेट भी नहीं हो रहा है। दीदी ने दिल से दिया है, मैं वैसे तो सब कुछ घुमा देता हूँ। विक्की ने कान का दिया वो भी घुमा दिया, बाबू ने ब्रेसलेट दिया था वो भी घुमा दिया, एक फ्रेंड ने ब्रेसलेट और अंगूठी दिया वो भी घुमा दिया, अब दीदी ने अंगूठी दिया इसको नहीं घुमाना है इसने, तो इस बार पक्का मेरी जिंदगी खराब। मैं समझूंगा कि मैं घुमाता ही रहता हूँ बस, बहुत बेकार आदत है मेरा, तो मैं इस बार नहीं घुमाऊंगा दीदी का ये गिफ्ट, संभाल के रखूंगा। तो गाइज थैंक यू सो मच, अब चलता हूँ मैं भी, थक गया हूँ। और मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए फिर से आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, कुछ भूल के आ रहूँगा तो ज़रूर आप लोग ब्लॉग में बता दो। और मेरा दिन स्पेशल करने के लिए पूरी कस्टमर को, पूरे मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप को, सबको थैंक यू। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने शॉप में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, शॉप में बहुत सारा काम किया, आप लोगों ने तो देखा ही होगा क्राउड वगैरह गाइस, सच में पूरा गला भर गया है मेरा गला भर गया भाई, गला भर गया कसम से, रिकॉर्ड टूट गया, दिवाली का रिकॉर्ड टूट गया, आपको नहीं बता सकता मैं। बट ये है कि मैंने किसी से कुछ नहीं कमाया गाइस, जो खरीद मतलब आया उससे भी लॉस में बेचा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों को कुछ देना था तो मैंने दिया, आपने अपना बेस्ट दिया मैंने, तो मैंने कुछ कमाया नहीं है, बस आप लोगों को अपना बेस्ट दिया। आप लोगों को अगर मेरा प्यार अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और बहुत आगे तक पहुँचाओ, ताकि हम लोग बड़े बड़े काम कर सके, मतलब करना हम लोग को लाइफ में बहुत कुछ करना है, करेंगे हम लोग एक ना एक दिन बहुत भारी काम करेंगे, पूरे ग्रुप के लिए करना गाइस, अपने को फैमिली के लिए करना है, अभी वही अपना गोल है। ठीक है गाइस, तो चल दो, तो गाइस चलो, गुड नाइट, लव यू, थैंक यू सभी को, राधे राधे, अपना ध्यान रखें और सभी अपने फ्रेंड्स का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें। चलो गाइस बाय।